कहाँ गए? नेहरू प्लेस, ये पता नहीं क्या है, झंडा तो चढ़ा रखा है इंडिया का, नेशनल फ्लैग है। ये स्टेशन है, इट्स नेहरू प्लेस। चलो हम चलते हैं उधर। कौन सा है? एक बार दिखा रहा था, कितना लंबा लाइन लगा हुआ है, 1 किलोमीटर का लाइन लगा हुआ है। आज छुट्टी है इसलिए बोला लाइन लंबी है। स्टेशन से ऑटो पकड़ के जस्ट रीच इट बाय गिविंग 50 रुपीज़ ओनली। ये देखिए हम गेट नंबर 3 से एंटर करने वाले हैं। कैन सी प्रवेश द्वार 3। ओके, इसके सामने से लोग जा रहे हैं, ये बहुत भीड़ है। ओह, मास्क कंपलसरी है क्या भाई? मास्क ले ले, कोई नहीं जा रहा है। ले ले, उधर से वापस कर दे। ये पीछे बना रहे हैं भाई, ये भाई बोल रहे हैं कि मास्क कंपलसरी है। बोल रहे मास्क लेना पड़ेगा, बिना मास्क के बोला वो नहीं उगड़ेगा। हाँ, मास्क तो मैं लेके नहीं आऊँ, खरीदना पड़ेगा। ये मास्क बेचने के लिए ऐसे बोल रहा है कि कुछ और वजह है? चलो देखते हैं आगे जाके, पहुँचने वाला है। बोले आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जा रहे हैं लोग। खाने का सामान है तो प्लीज गेट से बाहर रख दीजिए, खाने का सामान ले जाना मना है। खाने का सामान ले जाना मना है बोल रहे हैं। खाने का सामान हम लेके नहीं, देखे जैसे एंट्री लिखा हुआ है अंदर से गुजर। आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अरे जुगाड़ लगा सकता था रे, जुगाड़ लगा सकते थे, लाइन लगा दी ऐसे, जल्दी कर दी। हाँ, ऐसे एंट्री हो रही है। ये इनका खाने का सामान है, इनको साइड करो भाई, वो बताएंगे। कड़क सिक्योरिटी है इधर, खाने का बिल्कुल ही नहीं जाना। ये क्या है? अरे हम भी ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं, ऐसे लाइन में खड़े हो गए। उधर से पालतू लाइन लगाई था, एक घंटा लगा। ठीक है, इधर से अंदर जाना, उधर से बाहर आना है क्या? हाँ, अभी ये देख के आना है। सिक्योरिटी बहुत कड़क है एकदम। ये देखिए बैग वैग सब चेक कर रहे थे। मैंने आगे बढ़ी, आप लोग आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इधर माइक लगा है, पीए सिस्टम बोल रहा है इधर की। आगे बढ़ते, आगे बढ़ते रहिए। टेबल पे आने से पहले बैग खोलिए, बैग नहीं, आगे बढ़ते रहिए, खड़े मत रहिएगा। चलिए आगे, प्रार्थना हॉल बंद है। खाने का समय नहीं, आजा भाई, आजा। भीड़ ज्यादा होने के कारण आज प्रार्थना हॉल बंद कर दिया गया है। पूरे मंदिर की परिक्रमा करते हैं, प्रार्थना हॉल बंद कर दिया है बोल रहे हैं। आजा, प्रार्थना हॉल बंद कर दिया बोल रहे हैं। अरे खाने पीने का सब कुछ बंद कर दिया। अरे ये रहा, इधर ही है। वाह, बड़ा व्यू भाई, फोटो के फोटो करने के उधर ही चल, बहुत फोटो खींच पाएगा। ये देखे, अभी दूर है, हमें इधर से पड़ेगा। ये रास्ता बना हुआ है, बाहू ये देखिए, आप इधर से भी जा सकते हो और आगे से भी, तो हम आगे से जाएंगे। कॉस आगे से व्यू अच्छा दिखेगा, काफ़ी बड़ा जगह है, तो गार्डन बना रखा है, बढ़िया गार्डन बना रखा है। यह है इंफॉर्मेशन सेंटर, इधर इसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी।
कितना टेस्ट है, तो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए नहीं, वो तो हम विकिपीडिया से देख लेंगे। इधर आ गया, अरे आ गया आ गया। भाई फोटो खींच देंगे तेरे, आ जा तो ऊपर से हमारे। ये देखे इधर से क्या, देख इतना ही आएगा, आगे जाएंगे बिना जूम किए हुए, अच्छा फोटो आएगा। अरे कैमरा अलाउड है, मतलब कैमरा लेकिन दोस्तों ऑनली कैमरा ही अलाउड है, खाने पीने का कुछ अलाउड नहीं है। ये 700 में से एक है पता है, मान लो 700। एक ही हो गया, एक ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार भी है, मतलब 7 में हम 3 दिए, 2 देख लिया, अभी 5 बचे, 5 बचे, 5 के लिए फिर दूसरे डेज भी जाना पड़ेगा यार। क्या क्या सर, ये ताज हो गया, ये हो गया, जो बने रहो वो है क्या बोलते हैं जरा, पिरामिड पिरामिड हाँ, फिर और है ऐसे ऐसे सर, दूसरा पहन के आना चाहिए ना, क्यों तू लेके आया ना, पहन ले नहीं इधर चेंज मत, कहाँ जा, कम से कम 100,000 लोग आए होंगे, 100,000 लोग होंगे इधर। ये साइड का गार्डन है, चलो पास में जाके देख। पीछे आ रहा है तो मैं बहुत नजदीक आ गया, पूरा आ रहा है, इधर से क्या ये पूरा रेल टिकट बना सकता है पास ऐसे ना, इसमें क्या मुंबई में शिवाजी ऑटो बन छत्रपति शिवाजी म्यूजियम में उसके अंदर टिकट खींचने के फोटो खींचने के लिए वो चाहिए पास चाहिए, ऐसे उधर कर सकते हैं ना कुछ कर दिया ना, लेकिन इधर फोटोग्राफर नहीं है, फोटोग्राफी के लिए 10 रुपये टिकट में ऐसा कुछ बना दिया ना, बस हो गया सबको फोटो लेने। इधर अंदर प्रेयर हाउस है लेकिन भीड़ की वजह से आज बंद कर रखा है। क्या है क्या ये, ये मंदिर है, टेम्पल नाम ही लोटस टेम्पल। ये देखिए हम पास आ चुके हैं बिल्कुल, देखिए इसको अच्छे से, ये अंदर है प्रेइंग रूम में, प्रेयर रूम है सॉरी, तो इसको बंद है आज। लोटस टेम्पल नहीं आ रहा, यहाँ खड़ा हो फोटो खींचो, और इधर खड़े हो सामने,
भाई फोटो खींचना ना तो इधर खींचेंगे, समझ गए? अभी सही नहीं आएगा, आजा वाला जहाँ लोग खाली होंगे उस पर ना एक स्विमिंग पूल भी। चले रुक जा, ये स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल जैसा तो लग रहा है, नहीं है। भैया चलते रहो आप लोग आगे, चलो आगे चलो। मगरमच्छ है इसमें, कहाँ है इधर पानी में मगरमच्छ है, तो थोड़ा ध्यान से रहना है, इसलिए बंद कर रखा है आने जाने के। जनता काफी भीड़ लगा रखी है इधर। ये देखिए इधर पानी में मगरमच्छ था पहले, ये तो नहीं है मगरमच्छ लग रहा है, बंद कर रखा है भाई। इधर जो मगरमच्छ था ना उसको उसके अंदर बंद कर दिया है, केज के अंदर, इसलिए नहीं दिख रहा है। एक काम कर, इसके ऊपर खड़े हो जाना, सब उधर से उधर अच्छा है। आजा फोटो सही यार, ये टी शर्ट खराब लग रहा है। नहीं नहीं सब सही लग रहा है यार, खराब क्या लग रहा है? घूमने से जाना है पहले ना, अच्छे कपड़े होने चाहिए और अच्छे कैमरा होना चाहिए, फोटो सही आना चाहिए बस। बस कैमरा अच्छी होनी चाहिए, बाकी चीज़ों की जरूरत नहीं। नहीं कपड़े सही होने चाहिए। अरे आजकल तो खराब लोग भी अच्छे अच्छे बना लेते थे। आईफोन ले लेना चाहिए, आईफोन से भी नहीं है, डी एस एल आर लेकर आता है फिर भी। आप लोग रोहित खड़े हो रोहित डी एस एल कैमरा नहीं होता है, सोनी का डी एस एल कैमरा रहता है, उसमें फोटो तो मस्त आता है। एप्पल में एप्पल में सही आता है वैसे फोटो ना, तगड़ा आता है। तो जूम करेगा तो तगड़ा आता है ना, जूम करेगा तो भी कुछ नहीं होता, उसमें फोटो क्रैक नहीं होगा और बैकग्राउंड रहता है उसमें तगड़ा दिखता है। ये देखिए हम चक्कर मार चुके हैं पूरे पूरे काफ़ी, इसको देखने के लिए लोग बहुत आते हैं, भले ही इसमें पूजा करने ही आते हो ऐसे देखने के लिए। थैंक यू भाई, हाँ इधर से बढ़िया फोटो आएगा। चलिए पास में चलते हैं इसको, चल पास में से देखते हैं क्या इसमें। सेवन ओनर्स में ऐसे ही शामिल नहीं किया इसको, ठीक है? इसका जो डिज़ाइन है ना तो काफ़ी यूनिक, मतलब इसको बनाना आसान नहीं है। आई थिंक मार्बल से बना हुआ है ना। ये देखिए हम एक साइड में आए हैं, अरे इधर पास में अंदर का भी नज़ारा दिखा देता है। अच्छा ये प्रेयर रूम है, ये क्रिश्चियन का ही है। देखा अंदर क्या है, अंदर कुछ नहीं है वैसे, ये मार्बल का बना हुआ है पूरा पूरा। अंदर प्रेयर रूम है ये, बंद है।
देख ऐसे देखना इसमें दिख रहा है तो एक प्रेयर रूम है ये मार्बल का बना इस तरफ के ये भी मार्बल ही अब वहाँ तो खाना नहीं है कुछ आजा ये इधर का नज़ारा है ये पानी है इसमें मगरमच्छ है और एक मगरमच्छ का बच्चा है वो देख घूम रहे ये देखा रहा हूँ पास से बिल्कुल पूरा मार्बल का बना हुआ है रे काफ़ी मेहनत की है इसको बनाने में इसको कटिंग से लेके देख हो रहा मगरमच्छ देख देख मार्बल से बनाया कितना मेहनत करके बनाया हूँ मार्बल को होल्ड कराना कितना मुश्किल है कितने सारे इसके मतलब वो बनाए हैं ये दिखने में बाहर से ऐसा लगता है कि सिंपल है लेकिन सिंपल नहीं है आजा ओए बनगी देख इसका एक लेयर दो लेयर तीन चार चार लेयर है इसके अंदर भी एक है मतलब चार है टोटल पूरे मार्बल के अंदर तक है होना चाहिए क्या बोलते उधर से जाने का सारा अच्छा